स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कहते हैं? यू विल ऑफन फाइंड टीचर्स एक्सप्लेनिंग दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बट ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट देयर इज ऑलवेज अ सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। हे एवरीबॉडी, दिस इज अंकुर गोयल एंड यू आर एट द राइट प्लेस इफ यू रियली वॉन्ट टू अनलॉक योर ब्रेन विद अ की टू सक्सेस इन केमिस्ट्री। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंप्लीट डिटेल एंड द कंप्लीट वर्किंग रिगार्डिंग द डेनियल सेल। मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बता चुका हूं कि डेनियल सेल की डिटेल्ड वर्किंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लेट मी क्विकली रिमाइंड यू वंस अगेन द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेनियल सेल सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट द प्रीवियस वीडियो सेशन टू टुडेज वीडियो सेशन। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डेनियल सेल एक्सप्लेन करा था। And within this particular Daniell cell, which is an example of electrochemical cell, I hope आप सभी लोगों को याद है कि electrochemical cell उन devices को कहते हैं जिनमें एक spontaneous chemical reactions का use करा जाता है electricity generate करने के लिए। So this was a particular example of electrochemical cell, the Daniell cell. Daniell cell उस galvanic cell को कहा जाता है जिसमें zinc और copper का combination लिया जाता है। And we have already discussed about that. कि इस केस में हमने जिंक को ZnSO4 में इमर्स कर रखा था, कॉपर को CuSO4 में इमर्स कर रखा था, और जब हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करके इनके बीच में सर्किट कंप्लीट करा, तो as soon we complete the circuit, तो जिंक की इलेक्ट्रोड मोर रिएक्टिव होने की वजह से इट इमीडिएटली स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एंड याद रखिएगा, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो वी कैन से कि दिस एनोडिक हाफ सेल इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। एंड जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे थे वो कॉपर की तरफ माइग्रेट करते थे, और यहां पे आने के बाद कॉपर टू पॉजिटिव आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बन के प्लेट पे डिपॉजिट हो जाता था। सो दैट्स व्हाई दिस हाफ सेल इज नोन एज द रिडक्शन हाफ सेल, यहां पे रिडक्शन अकर करता है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस डेनियल सेल। डेनियल सेल में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है, और करंट which is a counter effect of electron that always flows from cathode to anode. आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस टॉपिक को एक बहुत ही सिंपलर मैनर में समझते हैं। Now just imagine कीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों में कितना पोटेंशियल, या कोई भी आपसे पूछता है कि आप में कितना पोटेंशियल, तो जस्ट इमेजिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप में कितना पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप में कितनी कैपेसिटी है कुछ कर लेने की। नाउ अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट टू इलेक्ट्रोड, सेम कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई कर देखिए, और फिर सोचिए कि पोटेंशियल का क्या मतलब आएगा। When we say electrode potential, so we mean to say कि इलेक्ट्रोड में कितनी एबिलिटी है कुछ कर लेने की। पोटेंशियल इज अ नॉर्मल इंग्लिश टर्म जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग, द एबिलिटी टू डू समथिंग, द कैपेसिटी टू डू समथिंग। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो पोटेंशियल को एक सिंपल मैनर में इस तरह से समझा जा सकता है कि जब भी किसी मेटल इलेक्ट्रोड को, व्हेनेवर एनी मेटालिक इलेक्ट्रोड M is immersed in its own ionic solution Mn positive, जैसे Zn को Zn2 positive में, copper को copper2 positive में, silver को silver positive में dip करा जाता है, तो ऐसे ही imagine कीजिए कि जब भी हम किसी metal को उसकी अपनी ही ionic solution में immerse करते हैं, तो ये combination दो में से एक tendency जरूर show करता हुआ नजर आएगा आपको। या तो आप ये देखेंगे कि ये metal की electrode electron को lose करेगी और aqueous बनके solution में आती जाएगी, यानी कि या तो आप देखेंगे कि ये मेटल ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, इट इज अंडरगोइंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, एंड एज सून दे गेन द इलेक्ट्रॉन वो मेटल सॉलिड बनके इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी किसी मेटल को अपनी ही आयनिक सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, तो वो दो में से एक टेंडेंसी जरूर एग्जिबिट करती हुई नजर आएगी आपको, या तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिटेड होगी, या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एग्जिबिटेड होगी। एंड माइंड इट, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड।
सो इन वेरी सिंपल टर्म्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट द टेंडेंसी, जस्ट द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी याद रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू आइदर लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन, देन टू बी मोर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्दर दो टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, इट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड अपनी आयन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी एग्जिबिट करती है तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोड या वो हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जिबिट कर रहा है, और अगर कोई इलेक्ट्रोड अपनी आयनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देती है तो हम बोलेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल एग्जिबिट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो एक जनरल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जस्ट रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम लोगों ने लास्ट वीडियो सेशन में ये पढ़ा था कि जिंक कॉपर कॉम्बिनेशन में जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कॉपर की तरफ भेजता है। तो इसका मतलब जिंक वाला हाफ सेल ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, तो हम कहेंगे ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जिबिट कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जिबिट हो रहा है यहां पे। और ये हाफ सेल कॉपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था और कॉपर सॉलिड बनके प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा था, सो दैट्स व्हाई ये हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल एग्जिबिट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोटेंशियल का एक सिंपलर मीनिंग समझ में आ रहा है। पोटेंशियल इज जस्ट द एबिलिटी टू डू समथिंग, और एक इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मतलब होता है द एबिलिटी टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की एक जनरल डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। बिसाइड दिस स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब और डीपी समझते हैं कि इस रिलेटिव प्रॉपर्टी से हमारा क्या मतलब है। देखिए, जिंक कॉपर के इस कॉम्बिनेशन में जिंक वाज मोर रिएक्टिव, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट करा, दैट्स व्हाई वी सेड कि जिंक वाला हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अंडरगो कर रहा है, और कॉपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी एग्जिबिट कर रहा था तो जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन में कॉपर वाला हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगो कर रहा है। बट स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि अगर जिंक और कॉपर के इस कॉम्बिनेशन में जिंक ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जिबिट कर रहा है, तो इसका ये कंक्लूजन नहीं है कि जिंक हमेशा ही ऑक्सीडेशन अंडरगो करा करेगा। जिंक सिर्फ यहां पे इसलिए ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू कॉपर जिंक इज मोर रिएक्टिव, इट हैज अ गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रेदर देन कॉपर। कॉपर में ऑन द अदर हैंड इज अ गुड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखिएगा, अगर हम इसी जिंक को कॉपर के साथ ना कनेक्ट करके से मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर देते, मैग्नीशियम याद रखिए इज इवन मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो अगर आप जिंक और मैग्नीशियम का एक कॉम्बिनेशन ले लेते तो की प्रेस करते ही आप देखते कि जिंक से भी ज्यादा अच्छी टेंडेंसी मैग्नीशियम में है इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की। तो मैग्नीशियम पहले इलेक्ट्रॉन लूज करता, उसके लूज करे गए इलेक्ट्रॉन इधर आते और जिंक के आयन उन्हें गेन करने लग जाते। इसका मतलब जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द कॉम्बिनेशन विद विच इट हैज बीन कनेक्टेड। तो ये याद रखिएगा, जिंक या किसी भी मेटल पे क्या पोटेंशियल एग्जिबिट होने वाला है ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये ना बता दिया जाए कि इस जिंक की प्लेट को किस दूसरे मेटल के साथ कनेक्ट करा गया है। ये याद रखिए स्टूडेंट्स, इन अ वेरी सिंपल टर्म, किसी भी मेटल का जो पोटेंशियल होता है, द एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर देने की, वो उस मेटल की कोई इनहेरेंट कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक वेरिएबल प्रॉपर्टी होती है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एज कंपेयर टू द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अदर एलिमेंट। जब भी किसी भी एलिमेंट को उससे भी ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट करा जाएगा तो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये गिवन एलिमेंट गेन करने लग जाएगा, और अगर किसी कॉम्बिनेशन में ये एलिमेंट खुद ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये लूज करेगा और दूसरा वाला गेन करने लग जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। कभी भी आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या गेन करेगी, जब तक मैं आपको ये ना बता दूं कि हमने इस इलेक्ट्रोड को किस दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। बट एनीवेज, इन केस ऑफ डैनियल सेल वी कैन डेफिनेटली से, जहां पे जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, यहां पे तो हम हमेशा कह सकते हैं कि इन डैनियल सेल दिस जिंक इज ऑलवेज एग्जिबिटिंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड कॉपर ऑलवेज एग्जिबिट द रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक और यूनिवर्सल कन्वेंशन का ध्यान रखना है आपने। यूनिवर्सल कन्वेंशन के बारे में याद रखना है, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इन दो अलग अलग टर्म्स से हमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म यूज करें और कहीं पे रिडक्शन पोटेंशियल यूज करें, तो वी गेट अ बिट कंफ्यूज्ड बिटवीन द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स। देयरफॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एज अ यूनिवर्सल कन्वेंशन, इन दोनों में से एक टर्म को हमने परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया। अब वो कौन सी टर्म है जिसे डिस्कार्ड करा गया और उसकी जगह क्या टर्म हमने यूज करनी स्टार्ट करी, उससे पहले आप एक चीज समझिए। देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि जिंक और कॉपर के इस कॉम्बिनेशन में जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही क्यों अंडरगो कर रहा है, why not zinc is undergoing reduction potential and copper undergoes the oxidation potential? तो एक तरीका तो है कि हम सिंपली ये बोल दें कि zinc ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसलिए अंडरगो कर रहा है क्योंकि zinc ज्यादा रिएक्टिव है। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि zinc ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसलिए अंडरगो कर रहा है क्योंकि zinc ज्यादा रिएक्टिव है, zinc में इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए zinc पहले लूज कर देता है। बट क्या हम इसी बात को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिंक और कॉपर के इस कॉम्बिनेशन में जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसलिए अंडरगो कर रहा है क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। देखिए, एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, वो लूज इसलिए तो कर रही है क्योंकि उसमें लूज कर देने की टेंडेंसी ज्यादा है लेकिन गेन कर लेने की टेंडेंसी कम है। तो जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन में जिंक ने रिडक्शन क्यों नहीं अंडरगो करा, क्योंकि जिंक में रिडक्शन की टेंडेंसी कॉपर के रिडक्शन की टेंडेंसी से कम थी। तो जहां ऑक्सीडेशन हुआ बेसिकली, वहां ऑक्सीडेशन इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर रिडक्शन का पोटेंशियल कम था। सो दैट्स व्हाई एज पर द यूनिवर्सल कन्वेंशन वी कंप्लीटली डिस्कार्डेड द टर्म ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाउ वी प्रेफर टू यूज द टर्म लो रिडक्शन पोटेंशियल। लो रिडक्शन पोटेंशियल, तो याद रखिएगा जहां पे जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जहां ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑब्वियसली रिडक्शन का पोटेंशियल कम होता है। और जहां पे एक्चुअली में रिडक्शन हुआ वहां पे हम कह सकते हैं रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे रिडक्शन का पोटेंशियल हाई था दूसरी प्लेट के रेस्पेक्ट में, तो कैथोड पे हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि एनोड इज एट लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड कैथोड इज एट हाई रिडक्शन पोटेंशियल, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द टर्म ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैज बीन परमानेंटली डिस्कार्डेड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कभी नहीं देखेंगे कि हम कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म परमानेंटली डिस्कार्ड कर दी गई है एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म लो रिडक्शन पोटेंशियल। और जहां पे एक्चुअली रिडक्शन होता है वहां बोलते हैं हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम पूरे सेल को सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में स्टडी करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए करा गया क्योंकि कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कभी रिडक्शन पोटेंशियल इन दो अलग अलग नेम्स के यूसेज से कंफ्यूजन होता था। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन हमने एक टर्म को खत्म कर दिया एंड वी जस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग द सेल्स इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स, दो तीन स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने बोल रहा हूं इन ऑर्डर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट इन अ सिंपलर वे। मैं आपको और सिंपलर वे में समझाने के लिए दो तीन स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, धीरे धीरे ध्यान से सुनिए, फोकस करिए कि क्या आपको उन स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ में आ रहा है। क्या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वी कैन से कि एनोड इज एट लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड कैथोड इज एट हाई रिडक्शन पोटेंशियल? तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द एनोड इज ऑलवेज एट लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड द कैथोड इज ऑलवेज एट हाई रिडक्शन पोटेंशियल। Besides this, we can also say कि the electrons always flows from low reduction potential to high reduction potential. Electrons हमेशा low reduction potential से high reduction potential की तरफ migrate करते हैं. And the current always flows from high reduction potential to low reduction potential. ये अपने last video lecture में मैं आपको already explain कर चुका हूँ कि current is a counter effect of electron flow. Current का direction हमेशा electron के flow के opposite होता है.
सो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं तो करंट कैथोड टू एनोड माइग्रेट करेगा। सो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म कभी यूज नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से दो ही टाइप का कंसिडर करेंगे, लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड हाई रिडक्शन पोटेंशियल। वंस अगेन ऑलवेज रिमेंबर दैट इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई रिडक्शन पोटेंशियल टू लो रिडक्शन पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग अच्छी तरह क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो टाइप की होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, बट दीज टर्म्स हैव बीन असाइंड द न्यू नेम्स एज लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड हाई रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को कैपिटल ई के सबस्क्रिप्ट में सेल लगा के रिप्रेजेंट करा जाता है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सेल पोटेंशियल का भी। मैंने आपको बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड लो रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है और कैथोड हाई रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक हाफ सेल लो रिडक्शन पोटेंशियल पे है और दूसरा हाफ सेल हाई रिडक्शन पोटेंशियल पे है, तो लो और हाई के बीच में एक डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज द सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। हाई रिडक्शन पोटेंशियल में से अगर लो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देंगे तो वो बीच का डिफरेंस आ जाएगा, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। सो वंस अगेन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेल पोटेंशियल मे बी सिंपली डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, बिकॉज वी ऑलवेज नो कि कैथोड हाई रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है और एनोड लो रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक और यूनिवर्सल कन्वेंशन का ध्यान रखना है आपने। एक यूनिवर्सल कन्वेंशन ये भी हम फॉलो करते हैं कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट डायग्राम हम हमेशा कैथोड को राइट साइड में बनाते हैं और एनोड को लेफ्ट साइड में बनाते हैं। सो एज पर दैट कॉन्सेप्ट वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला एज E cell is equal to ER minus EL, which is potential at right hand side minus potential at left hand side. So ER implies EC, EC और ERA की बात है क्योंकि कैथोड हमेशा राइट में ही बनाई जाती है और EA और EL एनोड हमेशा लेफ्ट में बनाई जाती है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, और ये निकाला जाता है हाई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लो रिडक्शन पोटेंशियल करके। बट ये भी याद रखिएगा कि ये सेल पोटेंशियल फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सेल पोटेंशियल दो टाइप्स का होता है, पहला होता है ईएमएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स मैं नहीं चाहता कि आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस की बुकिश डेफिनेशन रट लें और आपको उसका कोई कंसेप्ट समझ में आए। हम यहां पे एक्चुअली कंसेप्ट समझेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर मैनर, कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है और ये सेल पोटेंशियल दो टाइप में क्लासिफाई कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बनाने का पर्पस क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम इस टाइप के सेल्स। सो आपको पता है कि इस टाइप के सेल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उस वोल्टेज को हम अपने किसी अप्लायंस को रन करने के लिए यूज कर सकें। You all know कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले एक केमिकल रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हमें वोल्टेज मिलती है, उस वोल्टेज से हम अपना कोई अप्लायंस रन कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ये दोनों ही वोल्टेज के नाम है। पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरह की वोल्टेज है और ईएमएफ भी एक तरह की वोल्टेज है। लेकिन अब ये वोल्टेज भी दो टाइप्स की कैसे है? इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए स्टूडेंट्स आप रिमाइंड करिए, रिकॉल करिए
कि क्या आप लोगों ने कभी ये स्टेटमेंट पढ़ी है मशीन्स के रेस्पेक्ट में कि दैट देयर इज नो मशीन व्हिच इज 100% एफिशिएंट। डेफिनेटली आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, और इस बात से हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मशीन में टोटल इनपुट टोटल आउटपुट के बराबर नहीं होता। जितनी भी हम उसमें एनर्जी फीडिंग करते हैं, जितना भी हम उसमें इनपुट फीडिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा का सारा इनपुट एज एन आउटपुट हमें कन्वर्ट होकर मिल जाना चाहिए। बट कोई भी मशीन इस नेचर में ऐसी बनाने में हम आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए जिसमें टोटल इनपुट टोटल आउटपुट के बराबर हो। कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन मशीन के बीच में ऐसा होता है जिससे उसका आउटपुट इनपुट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस तरह से कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, उसी तरह से ये सेल भी एक छोटी सी मशीन है, ये सेल भी एक मशीन है और ये मशीन भी 100% एफिशिएंट नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है, तो यहां पे मोर प्रिसाइजली हम ये कहना चाहते हैं कि इसका टोटल प्रोडक्शन टोटल आउटपुट के बराबर नहीं है। लेट मी राइट दिस टर्म, टोटल प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल टू टोटल आउटपुट। अब इसका कंसेप्ट का मतलब समझते हैं। आप में से काफी लोगों को प्रोडक्शन और आउटपुट ये दोनों इक्विवेलेंट नेम्स लग रहे होंगे, एक जैसे नाम एक सिनोनियम जैसे लग रहे होंगे, बट एक्चुअली देयर इज अ डीप डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड आउटपुट, और वही कंसेप्ट हमें यहां पे समझना है। तो ये याद रखिएगा, डेनियल सेल या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता, यानी कि जितनी वोल्टेज ये सेल जनरेट करता है वो सारी की सारी वोल्टेज कभी भी एज एन आउटपुट हमारे अप्लायंस तक नहीं पहुंचती। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे तो की को प्रेस करते ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जिंक मोर रिएक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट करेगा और कॉपर उन्हें गेन करना स्टार्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आपको वोल्टेज मिलने लगेगी। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये वायर किसी भी मटेरियल का बना लें, कितना भी बेस्ट से बेस्ट कंडक्टर का बना लें, लेकिन ये याद रखिएगा हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है ना। तो ये वायर अगर आपने सिल्वर का भी बना लिया विच इज नोन टू बी अ बेस्ट कंडक्टर, बट इवन सिल्वर ऑफर सर्टेन रेजिस्टेंस, तो आप चाहे किसी भी कंडक्टर का ये वायर बना लें, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ये वायर ऑफर करेगा। एंड एट द सेम टाइम जो वोल्टमीटर आपने लगा रखा है वोल्टेज पता लगाने के लिए, इस वोल्टमीटर का पॉइंटर इस वोल्टमीटर की निडल भी मूव करती है, तो वो पॉइंटर भी अपने मूव करने के लिए कुछ वोल्टेज रिक्वायर करता है, कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है। तो ये याद रखिए कि की को प्रेस करने पे जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज वायर के रेजिस्टेंस की वजह से वेस्ट हो जाती है, कुछ वोल्टेज वोल्टमीटर का पॉइंटर अपने मूवमेंट के लिए यूज कर लेता है, और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस के बीच में। After all this wastage कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कुछ वेस्टेज हो रही है वायर के रेजिस्टेंस की वजह से, कुछ वेस्टेज हो रही है वोल्टमीटर के पॉइंटर के मूवमेंट की वजह से, और कुछ वेस्टेज आयन के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। सो आफ्टर ऑल दिस वेस्टेज जो बची हुई वोल्टेज होती है वो हमें मिल जाती है। एक बार फिर से सुनिए, जैसे ही हमने की को प्रेस करा सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट होते ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। लेकिन हमें यह पता लगाना है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जनरेट कर रहा है, क्या वो सारी की सारी हमें मिलेगी? तो ये याद रखिएगा, वो सारी की सारी आपको कभी नहीं मिलेगी, वो सारी की सारी एज एन आउटपुट आपके अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे वायर में से, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो वायर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, कुछ वोल्टेज वोल्टमीटर का पॉइंटर यूज कर लेगा, उसके बाद जो कुछ बची हुई वोल्टेज होगी वो आपके अप्लायंस तक पहुंचेगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन क्लियरली इमेजिन कि आपके अप्लायंस तक 100% वोल्टेज तो पहुंच ही नहीं रही, आपके अप्लायंस तक नेट आउटपुट पहुंच रहा है, और वो नेट आउटपुट इसके एक्चुअल प्रोडक्शन से कम है। ये याद रखिएगा, अगर ये सेल 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस 5 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज वायर के रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की यूसेज की वजह से वेस्ट हो जाती है, और हो सकता है प्रोबेबली उस 5 में से 3 या 4 वोल्ट ही आपके अप्लायंस तक पहुंचे। तो एक तो वो वोल्टेज है जो ये सेल प्रोड्यूस कर रहा है, और एक वो वोल्टेज है जो इस सेल से आपके अप्लायंस तक एज एन आउटपुट पहुंच पा रही है। तो याद रखिए, जो वोल्टेज इस सेल ने एक्चुअली प्रोड्यूस करी वो है ईएमएफ, और जो वोल्टेज आपके अप्लायंस तक एज एन आउटपुट पहुंची वो है पोटेंशियल डिफरेंस।
सो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों ही वोल्टेजेस के नाम है, लेकिन एक वो वोल्टेज होती है जो सेल ने प्रोड्यूस करी और एक वो वोल्टेज होती है जो इसके टोटल प्रोडक्शन में से एज अ नेट आउटपुट हमारे अप्लायंस तक पहुंची। एंड दैट्स व्हाई वी से कि टोटल प्रोडक्शन कभी भी टोटल आउटपुट के बराबर नहीं होता। कोई भी सेल प्रोड्यूस तो ज्यादा वोल्टेज करता है, लेकिन उसमें से कुछ वोल्टेज विद इन द वायर वेस्ट हो जाती है और नेट वोल्टेज जो हमारे अप्लायंस तक पहुंचती है वही एक्चुअल आउटपुट होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो अभी हम प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसकी, लेकिन इन सिंपल टर्म्स आई होप आपको डिफरेंस अच्छी तरह क्लियर हो गया कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन दो चीजों के नाम है। EMF और potential difference दोनों ही voltages के नाम है, लेकिन एक वो voltage है जो cell produce कर रहा है और एक वो voltage है जो हमारे appliance तक पहुंच पा रही है। अब आती है बात definition की कि how can we define electromotive force को define कैसे करेंगे, potential difference को define कैसे करेंगे। So ध्यान से सुनिए students, देखिए मैंने आपको बताया कि जब हम key को press करते हैं तो circuit complete हो जाता है, और circuit complete होते ही जो दो main wastage के cause हैं वो है, एक तो वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वेस्टेज हो रही है। एट द सेम टाइम वोल्टमीटर का पॉइंटर भी मूव कर रहा है, वो भी कुछ करंट यूज कर रहा है, वो भी कुछ वोल्टेज में डेप्रिसिएशन ला रहा है। अब अगर हम चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि इस वायर में रेजिस्टेंस की वजह से बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, और हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर का पॉइंटर भी बिल्कुल भी करंट ना ड्रॉ करे, बिल्कुल भी वोल्टेज ना यूज करे, तो क्या हमारे पास कोई तरीका है? सोचिए, सोच कर देखे, इज देयर एनी वे आउट कि वायर में बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो रेजिस्टेंस की वजह से और वोल्टमीटर बिल्कुल ना यूज करे। तो हाइपोथेटिकली देयर इज अ वे आउट, बट दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। हाइपोथेटिकली एक तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रेजिस्टेंस में बिल्कुल वेस्टेज ना हो और वोल्टमीटर का पॉइंटर भी बिल्कुल ना यूज करे, तो वी कैन से कि हम इस की को प्रेस ही नहीं करेंगे, हम सेल को स्विच ऑन ही नहीं करेंगे। अब ये आपको क्वाइट हाइपोथेटिकल लगेगा, जब हम की को प्रेस ही नहीं करेंगे तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा और हमें कुछ करंट मिलेगा भी नहीं, बट द फैक्ट इज दैट कि कुछ वेस्ट भी तो नहीं होगा। जब आप की को प्रेस ही नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट ही नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा तब तक वायर में रेजिस्टेंस की वजह से कोई वेस्टेज नहीं आएगी और ना ही वोल्टमीटर का पॉइंटर मूव करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक सेल एक ओपन सर्किट में है, जब तक उसकी की खुली हुई है, तब तक उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी एफिशिएंसी मेंटेन है। बेशक हमें नहीं मिल रहा कोई करंट या कोई वोल्टेज हमें नहीं मिल रही, लेकिन द फैक्ट इज दैट कि कुछ वेस्ट भी तो नहीं हो रहा, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में 100% एफिशिएंसी मेंटेन तो है। सो ईएमएफ को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज प्रेजेंट विद इन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, या ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज प्रेजेंट विद इन द सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। जब तक सेल ओपन सर्किट में है तब तक सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में जो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रेजेंट है, ऑल्दो वो हमें मिल नहीं रही, वो एज एन आउटपुट बाहर नहीं निकाल पा रहे हम, लेकिन वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। अब आती है बात पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और रेजिस्टेंस की वजह से वेस्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। एट द सेम टाइम वोल्टमीटर का पॉइंटर भी कुछ वोल्टेज को यूज करने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि की को प्रेस करने के बाद जो मिलेगा आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में मिलता है, जबकि ईएमएफ हमेशा एक ओपन सर्किट में मिलता है, नहीं बोलेंगे ईएमएफ हमेशा एक ओपन सर्किट में सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ईएमएफ इज नेवर ऑब्टेनेबल, ईएमएफ इज जस्ट प्रेजेंट विद इन द सेल, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्टेनेबल। तो एक बार मैं फिर से आपको दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में मेंशन करनी है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। EMF, this EMF is the maximum voltage present between the two terminals of the cell when the cell is in open circuit, or when we are not drawing any current from the cell. While the potential difference is the net voltage present within the cell when the cell is in closed circuit, or when we are actually drawing the current from the cell. So I hope you are getting my point. Potential difference or EMF, ये दोनों ही voltages के नाम हैं। ये दोनों ही सेल पोटेंशियल के दो टाइप्स हैं, और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया तो सोच के बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। एंड कैन वी इवन से कि ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वेस्टेज,
जो भी वेस्टेज वायर के रेजिस्टेंस की वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से और वोल्टमीटर के पॉइंटर की वजह से जिस भी रीजन से वेस्टेज हुई, वो वेस्टेज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का एक डिफरेंस होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कांसेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द सेल पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को आज की क्लास के ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए। These are extremely important concepts with respect to the further understanding of the concepts related to electrochemistry. Electrochemistry में आगे के concepts समझने के लिए ये बहुत जरूरी था कि आपको potential difference और EMF के actual meanings समझ में आने चाहिए थे। So that's it for today, students. आज के इस video session में हम इतना ही पढ़ेंगे। But in our next video session, we will definitely proceed with some more interesting topics related to this electrochemistry. Till then, stay tuned, stay safe. Thank you.